हाय, मेरा नाम सुमित है और इस वीडियो में हम मिन्ना नो निहोंगो के लेसन 6 की वोकैबुलरी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है थाबेमास। थाबेमास, टू ईट। इस वीडियो में मैंने हीरागाना के साथ साथ खांजी भी लिखी हुई है ताकि आपको खांजी देखने की समझने की आदत हो जाए और देख देख कर आपको धीरे धीरे खांजी याद भी होती रहेंगी। तो मैंने इस वीडियो में खांजी, खांजी के ऊपर उसकी हीरागाना या खाताकाना में रीडिंग और उसके साथ इंग्लिश में उसकी रीडिंग लिखी है। वर्ड है नोमीमास। नोमीमास, टू ड्रिंक। सुईमास। सुईमास, स्मोक अ सिगरेट। फॉर एग्जाम्पल थाबाको ओ सुईमास। थाबाको ओ सुईमास, स्मोक अ सिगरेट। मिमास। मिमास, टू सी। खिकीमास। खिकीमास, हियर, लिसन। योमीमास। योमीमास, रीड। खाकीमास। खाकीमास, राइट, ड्रॉ, पेंट। खाईमास। खाईमास, बाय। तोरीमास। तोरीमास, टेक अ फोटोग्राफ। फॉर एग्जाम्पल शाशिन ओ तोरीमास, टेक अ पिक्चर। शाशिन का मतलब होता है फोटोग्राफ। शाशिन ओ तोरीमास, टेक अ पिक्चर। शिमास। शिमास, डू। आईमास। आईमास, मीट अ फ्रेंड। एग्जाम्पल तोमोदाचिनी आईमास। तोमोदाचिनी आईमास, मीट अ फ्रेंड। गोहान। गोहान, मील, कुक्ड राइस। गोहान का बेसिकली मीनिंग कुक्ड राइस होता है और खाने से जनरली जापानीज लोगों का मतलब राइस ही होता है, तो मील भी बोलते हैं गोहान को। तो ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, जापानीज राइस इंडियन राइस से थोड़ी अलग होती है। इंडियन राइस के जो जो राइस होती है, इंडियन राइस, वो थोड़ी छोटी और फाइन पार्टिकल्स होते हैं, मतलब एक एक दाना एक दूसरे से थोड़ा अलग होता है। लेकिन जापानीज राइस थोड़ी मोटी होती है और चिपकी चिपकी सी होती है आपस में। और ये राइस के ऊपर जो आप देख रहे हैं, ये नातो रखे हुए हैं। नातो मतलब बीन्स होते हैं, बहुत हेल्दी माना जाता है और काफी लोग राइस के साथ ये नातो खाते हैं। आसागोहान। आसागोहान, ब्रेकफास्ट। अगर इस वर्ड को हम टुकड़ों में देखें तो आसा का मतलब होता है मॉर्निंग और गोहान हमने देखा है पिछला वर्ड था राइस या फिर मील, तो सुबह की मील मतलब ब्रेकफास्ट। आसा गोहान। ऐसे ही हीरू गोहान। हीरू गोहान, लंच। हीरू मतलब नून और गोहान मतलब मील। हीरू गोहान, लंच। बानगोहान। बानगोहान, बान मतलब इवनिंग या नाइट, गोहान मतलब मील। तो बानगोहान मतलब सपर या डिनर। पान। पान, ब्रेड। थामागो। थामागो, एग।
Niku, Niku, meat. Sakana, Sakana, fish. Yasai, Yasai, vegetable. Kudamono, Kudamono, fruit. ये मैंने एक watermelon की photo लगाई है यहाँ पर. Japan में square shape के watermelon लगभग हर store में देखने को मिल जाते हैं. और ये regular watermelon से थोड़े costly होते हैं. जो regular watermelon होता है, वो भी वैसे बहुत costly होता है. लेकिन ये जो square shape के watermelon है, मैंने एक normal store में देखा था. जो regular watermelon जैसे इंडिया में मिलते हैं, वैसे ही ओवल शेप के जो वाटरमेलन थे वो 1500-2000 येन का था. और ये स्क्वायर वाटरमेलन था, ये 10,000 येन का था. तो इसे कोई मिडिल क्लास इंसान खरीदता भी नहीं है, रिच लोग ही खरीदते हैं. और जापान में आजकल हार्ट शेप के भी वाटरमेलन वो उगाने लग गए हैं, जिनका प्राइस तो बहुत ही हाई है. उसको तो आप एक आम इंसान खरीदने के बारे में सोच भी नहीं सकता. जनरली जापान में फ्रूट्स के प्राइसेस बहुत ही हाई है, बहुत महंगे फ्रूट्स होते हैं वहां पर. मैं जब जापान में था, वहां से 1/4 ऑफ वाटरमेलन, वाटरमेलन क्योंकि इतने महंगे होते हैं, उसके पीसेस करके रख देते हैं. तो एक वाटरमेलन को 1/4 चार हिस्सों में काटा हुआ था, तो 1/4 जो उसका पार्ट था वो 500 येन का मिलाता था. और वो भी एक ऐसी शॉप थी जहां पर सस्ते सस्ते फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिलते थे. मिजू, मिजू, वाटर. ओचा, ओचा, टी, ग्रीन टी. कोचा, कोचा, ब्लैक टी. ग्यूनियो, ग्यूनियो, मिल्क. जो मिल्क का जैपनीज वर्ड है वो ग्यूनियो है, लेकिन इसको आजकल मिरुकु, इंग्लिश जो इसका नाम है मिल्क, उसी को जैपनीज साउंड के हिसाब से भी लोग आजकल मिर्क भी बोलते हैं, मिर्क. ये आप देखेंगे, मैंने फोटो लगाई हुई है, जापान में मिल्क के पैकेट्स हैं, इसमें ये देखिए छोटा सा लिखा हुआ है मिर्क. जूस, जूस, जूस. बीरू, बीरू, बियर. ओसाके, ओसाके, जापानीज राइस वाइन, अल्कोहल. वीडियो, वीडियो, वीडियो टेप, वीडियो डेक. एगा, एगा, मूवी. तेगामी, तेगामी, लेटर. रिपोर्ट, रिपोर्ट, रिपोर्ट. शाशिन, शाशिन, फोटोग्राफ. मिसे, मिसे, स्टोर, शॉप. रेस्टोरान, रेस्टोरान, रेस्टोरेंट. निवा, निवा, गार्डन. ये जैपनीज स्टाइल गार्डन की पिक्चर एक मैंने यहां लगाई हुई है. जैपनीज गार्डन में जनरली एक छोटी सी लेक भी देखने को मिलती है. और ये जो
आर्किटेक्चर है, जो स्टाइल है, इसी स्टाइल से गार्डन बनाए जाते हैं। लगभग सारे जैपनीज गार्डन जो होते हैं ऐसे ही दिखते हैं। शुकुदाई, शुकुदाई होमवर्क, एक एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। शुकुदाई ओ शिमास, टू डू होमवर्क। शुकुदाई ओ शिमास। टेनिस, टेनिस टेनिस, एग्जाम्पल सेंटेंस। टेनिस ओ शिमास, टू प्ले टेनिस। टेनिस ओ शिमास। साक्का, साक्का सॉकर फुटबॉल, एग्जाम्पल सेंटेंस। साक्का ओ शिमास, साक्का ओ शिमास, प्ले सॉकर। ओहानामी, ओहानामी चेरी ब्लॉसम व्यूइंग। हाना होता है फ्लावर, हाना मतलब फ्लावर, मी मतलब हमने एक वर्ड पढ़ा था मीमास मतलब देखना, उसका मी है ये। हाना मी मतलब फूल देखना, और ये जो ओ है ये ऑनररी प्रिफिक्स है। ओ हाना मी फूल देखना, और ये चेरी ब्लॉसम के फूल देखने के लिए ही ये स्पेशली वर्ड यूज किया जाता है, ओ हाना मी। हाना मी ओ शिमास, गो चेरी ब्लॉसम व्यूइंग, या फिर गो फॉर चेरी ब्लॉसम व्यूइंग। हानामी ओशिमास। नानी, नानी व्हाट। इश्योनी, इश्योनी टुगेदर। चोत्तो, चोत्तो अ लिटिल वाइल, अ लिटिल बिट। इत्समो, इत्समो ऑलवेज। तोकी दोकी, तोकी दोकी समटाइम्स। सोरेकारा, सोरेकारा आफ्टर दैट। ईद स्ने, ईद स्ने दैट्स गुड। वाकारी माश्ता, वाकारी माश्ता आई सी। जा माता आश्ता, जा माता आश्ता सी यू टुमारो। जा माता भी सिर्फ बोल सकते हैं आप, जा माता मतलब ठीक है फिर मिलते हैं, और आश्ता का मतलब टुमारो होता है, तो जा माता के साथ अगर आश्ता लगा दे तो कल मिलते हैं। जा माता भी बोल सकते हैं आप, मिलते हैं फिर, और जा माता आश्ता मतलब कल मिलते हैं। तो इस लेसन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पर फॉलो करना चाहते हैं तो मैंने उसका लिंक नीचे दिया हुआ है। इस फेसबुक पेज पे मैं कुछ जापान के बारे में इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करता हूँ, और अपनी कुछ फोटोज जब मैं जापान में था उस दौरान की कुछ फोटोज भी इस पेज पर मैं शेयर करता रहता हूँ। So thank you very much for watching this video. See you in next video.